दिस इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्री ऑफ़ चैप्टर फोर ऑफ दुक ऑफ हेलीडे रेजने कैंड क्रीन एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सपोज द नेट फोर्स एफ ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ अ नॉन जीरो कॉन्सटेंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग कु आल्सो बी कॉन्सटेंट तो हमसे ये पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो नॉन जीरो है और कांस्टेंट है तो फिर जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं पोजीशन स्पीड वेलोसिटी और एक्सलरेशन इनमें से कौन सी कांस्टेंट होगी तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये बना बताता है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी कॉन्सटेंट होगा क्योंकि जो फोर्स है हमारे पास वो होती है समेशन एफ़ इक्वल्स एम टाइम्स ए तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन भी लाजमी तौर पे कांस्टेंट होगा क्योंकि जो मैस है इन सारे प्रॉब्लम्स में उसको तो हम पहले ही कांस्टेंट मानते हैं यानी जो ऑब्जेक्ट हमने अंडर स्टडी लिया हुआ है उसकी मैस चेंज नहीं होती ड्यूरिंग ड्यूरिंग आवर एक्सपेरिमेंट तो इसमें से सिर्फ आ, ये जो ऑप्शन डी है सिर्फ ये सही ऑप्शन है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके ऊपर जो उसमें जो नेट एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा वो भी कॉन्सटेंट होगा और अगर एक्सलेशन कॉन्सटेंट भी हो तो हमें पता है कि एक्सलेशन विलासटी को तब्दील करता है इसका मतलब है उसकी विलासिटी कॉन्सटेंट नहीं रहेगी और अगर विलासिटी कॉन्सटेंट नहीं रहती तो मैग्नीट्यूड जो स्पीड होती है वो विलासिटी की मैग्नीट्यूड होती है सिर्फ तो वो कॉन्सटेंट नहीं रहेगी और अगर स्पीड कॉन्सटेंट नहीं रहेगी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी पोजिशन तो 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 मतलब तो मतलब भी चेंज हो रही है तो वो भी कॉन्सटेंट नहीं रहेगी तो आप इसको दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं